चार धामों में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में हर साल नर नारायण की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। सावन महीने में एक विशेष दिन निकालकर भगवान नर नारायण का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भगवान नर नारायण की मूर्ति और उत्सव डोली बद्रीनाथ से निकलती है। भगवान नर नारायण का जन्म स्थान बद्रीनाथ धाम को माना जाता है। उन्होंने माता मूर्ति के गर्भ से जन्म लिया और उनके पिता धर्मराज थे। मंदिर समिति के द्वारा भगवान नर नारायण के जन्मदिन पर उनकी मूर्ति पर दूध और फूल चढ़ाया जाता है। इस दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिस वजह से प्रशासन को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की तैनाती करनी पड़ती है। नर नारायण भगवान की डोली बद्रीनाथ के मंदिर से निकलकर लीला ढूंगी पहुँचती है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान बद्री विशाल का जन्म हुआ और यहीं बद्री विशाल बच्चे के रूप में भगवान शिव और पार्वती को मिले थे। इसके बाद शिव ने अपने स्थान पर भगवान बद्री विशाल को छोटे से बच्चे के रूप में विराजमान किया था, लेकिन बाद में वह मंदिर में विराजमान होने के बाद भी बद्री विशाल के रूप में विराजमान हुए थे। आज नारायण जयंती का समारोह सम्पन्न हुआ है। दो दिवसीय कार्यक्रम करकटे हस्त नक्षत्र बदरी निलयोद्भवम अष्टाक्षर प्रदातारम नारायण महम भजे। कर्क का सूर्य हो यानी सावन का महीना हो और हस्त नक्षत्र हो तो भगवान नारायण का जन्म दिवस होता है। दो दिन से मना रहे हैं। कल भगवान माँ मूर्ति के पास गए माणा ग्राम में। वस्तु भगवान का प्राकट्य यहीं पर बताया शास्त्र ने कि संगमा दक्षिण भागे धर्म क्षेत्रम प्रकृतम यत्र मूर्त्याम चुकाओ जातो नर नारायण भ्रषि यहाँ प्रकट हुए। और आज बद्रीपुरी में इनका भ्रमण कराया गया। आज वस्ता बद्रीनाथ के ठीक पास बामणी ग्राम और यहाँ पे एक लीला ढूंगी है, एक पत्थर है बड़ा सुंदर सा जिसमें भगवान ने एक लीला की बाल लीला भगवती पार्वती को बालक रूप में भगवान नारायण दिखे थे और भगवती पार्वती स्नेहवश भगवान शंकर के मना करने पर भी और घर में रखाई, बालक सो गया, भ्रमण पे निकली और जब लौट आई तो भगवान ने कहा तब जा हमारा अब केदारनाथ जाओ। ये कहीं लिखा नहीं है, हमने सुना है। बद्रीनाथ से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट।